अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. तमाम ही आए हुए मेहमानान का इस शेरी महफिल में इस्तकबाल। इस पुरमुसर्रत मौके पर जहां एक जहां दीदा शख्सियत और एक काबिले एहतराम समाजी तालीमी सियासी सकाफती शख्सियत आबरूए मुंबई शहर नहीं बल्कि आबरूए महाराष्ट्र जनाब वसीम आर खान साहब के जन्मदिन के मौके पर यह शेरी महफिल सजाई गई है। बहुत शुक्रगुजार है फजल रहमान अंसारी साहब के जो बिजनौर वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं और दोस्ती निभाने का हुनर अगर हमारे दोस्तों में किसी को आता है तो वो फजलुर रहमान अंसारी साहब है। वसीम आर खान साहब से उनकी बेपना मोहब्बत कुर्बत और ऐसा हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि ये पराए शहर के हैं या पराए रिश्ते के। हमेशा हुनर साहब ऐसा लगा कि ये एक ही खानवादे के दो चिराग हैं, वसीम खान साहब और फजलुर रहमान अंसारी साहब। और फजलुर रहमान अंसारी साहब ने एक मौका तलाश किया कि आने वाले दिनों में खूबसूरत शेरी महफिल क्यों ना मुहिब्बी मोहतरमी वसीम आर खान साहब के एजाज में सजाई जाए। और फिर उसमें सोने पे सुहागा ये है कि हमारे आलम निजामी साहब की कुर्बत आलम निजामी साहब की मोहब्बत सिर्फ अलाकाई नहीं बल्कि कुल हिंद मुशायरा जहां जहां भी उर्दू वाले मौजूद हैं मुंबई शहर में वहां वहां आलम निजामी साहब का नाम बड़े अदब से लिया जाता है और उनकी मोहब्बत उनकी काविश उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं हम सब। फजलुर रहमान अंसारी साहब तो रिश्ते हैं मोहब्बत निभाने का हुनर आलम निजामी साहब को खूब आता है और उन्होंने बेपना पजीराई करते हुए हुनर रसूलपुरी साहब को मधु किया। हुनर रसूलपुरी एक ऐसा शायर है जिसकी अदबी शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बरसगीर तक फैली हुई है। मैं हुनर रसूलपुरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। जमील असगर साहब एक ऐसा कलमकार है ये बंदा वसीम भाई जितनी तारीफ की जाए जमील भाई की कम है। सिर्फ महाराष्ट्र के मुंबई और दीगर इलाकों नहीं बल्कि लखनऊ हमारे यूपी की राजधानी तक और सियासी हलकों में अगर कोई प्यारा सा अदब अदबी नाम गूंजता है तो वो मेरे बिरादर मोहतरम जमील असगर साहब का है। उनकी तहरीरों को सलाम किया। नुमान सिद्दीकी साहब एक ऐसे कलमकार जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं दिल की गहराइयों से नुमान सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने हमारी मोहब्बत का भरम रखा है। अल्लाह आपको इसकी जजा अता फरमाए। हमारे सुलेमान चौधरी साहब यहाँ जलवा अफरोज है। मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आए फिजा मुस्कुराने लगी जिंदगी जेरे लब गुनगुनाने लगी। राजेश उन्नावी साहब
बहुत अच्छे कलमकार तरन्नुम के बहुत प्यारे शायर जिन्हें जब जब मैं सुनता हूँ मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता, मैं उनका भी तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम यासिर आदमी साहब, मोहतरमा हबीबा इकराम साहिबा यहाँ जलवा अफरोज हैं, मैं तहदिल से मशहूर व ममनून हूँ कि आपने हमारे मुशायरे में शरीक होकर इस शेरी महफिल में उर्दू जबान से मोहब्बत का हक अदा किया। हमारे सदर मुशायरा अली वकार हाजी अकील अहमद शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं, मैं तहदिल से आपका मशहूर व ममनून हूँ कि आपने हमारी बज़्म सुखन के हिस्से की जिम्मेदारी संभाली। बल्कि बज़्म सुखन जो ये आज महल तामीर हो रहा है दालान मोहब्बत में, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हाजी अकील शेख साहब पर होगी और उन्होंने इजाजत दी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की। हम इस मोहब्बत खाने में आपका इस्तकबाल करते हैं। ये बज़्म यारा है, फजलुर रहमान अंसारी साहब की कोशिश है, आलम निजामी साहब की मोहब्बत है और दोस्तों की हमदर्दियाँ, ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। ये उर्दू जबान घर आंगन की जबान नहीं, हिंदुस्तान की खालिस अदबी जबान है और उर्दू जबान का दामन इतना वसी है कि संस्कृत, अरबी, फारसी और बहुत सारे अल्फाज उर्दू जबान ने अपने दामन में रखे हैं, मोतियों की तरह, मोतियों की तरह रखे हैं और शायरों ने अपने शेर में उसे ढाल ढाल कर उन लफ्जों को मोहतरम बना दिया है जिसे आज नई नस्ल नहीं जानती, मगर उर्दू वाले बराबर उस लफ्ज का इस्तकबाल करते हैं अपने शायरी में रखकर, अपने शेरों में रखकर। मैं बहुत ही अदब के साथ अगर ये कहूँ कि मैं कोनूर हीरो को आवाज देने जा रहा हूँ तो ये भी कम है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी तारे को आवाज देने जा रहा हूँ तो ये भी कम है। कुदरत ने इस दुनिया में बेशुमार ऐसे रोशन जर्रे रखे हैं, कोई चांदी की शक्लों में, कोई सोने की शक्लों में, कोई नूर और कोई कोहनूर की शक्लों में, मगर एक जुगनू जिसके मुकद्दर को अल्लाह पाक ने ऐसा लिखा कि वो जुगनू महाराष्ट्र की मुंबई की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की शान बन गया, वो जुगनू हिंदुस्तान के कोना मश्क सियासत दानों की जान बन गया, वो जुगनू हमारे उर्दू दोस्तों की जान बन गया और उस प्यारे से मोहतरम मोहब्बत नवाज, अदब नवाज, नुक्ता दा नुक्ता सन शख्सियत का नाम है मोहतरम वसीम आर खान साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे, सहारा बनकर निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। तालियां बजनी चाहिए वसीम आर खान साहब के लिए कि आपके जन्मदिन के मौके पर ये बज़्म सुखन सजाई गई है। आप सौ चांद भी चमके तो कहां बात बनेगी, आप आओ तो इस रात की औकात बनेगी। तो वसीम आर खान साहब का कायदे नस्ल नौ तामीर मिल्लत और जी जी आज की इस शेरी महफिल की सदारत के लिए हाजी अकील अहमद शेख साहब का नाम तजवीज़ किया गया है। मैं शोरा इकराम की जानिब से इस दालान मोहब्बत में बैठे हुए छोटे बड़े लोगों की जानिब से, शोरा इकराम की जानिब से, दानिश्वरान कौम की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से, खादिम कौम मिल्लत की जानिब से, मैं हाजी अकील अहमद शेख साहब की ताईद करता हूं और सदर साहब से इजाजत चाहता हूं कि वो प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाजत फरमाए।